बहता हुआ पानी देखिए, तुम रुक जाओ यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वाह, यहाँ तक पानी 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 पानी, ओहो हो हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महाकाल, हर हर महादेव। सच में समंदर की विशालता भी महादेव को ही दर्शा रही है। देखिए कण कण में शिव, हर जगह शिव। ये देखिए कितने अच्छे से है, ओ माय गॉड। पैर को छू ही गया समंदर, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ना अच्छा लगता है ना। देखिए सब महादेव की रचना है, सब महाकाल का सृजन है। सब में कण कण में शिव, भगवती का वास है, शिवा का वास है। बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव शिव सबकी रक्षा करें, सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें। हर हर महादेव। फिर आएंगे कभी तो हम लोग इस पहाड़ पे चढ़ेंगे। जाओ भाई, यहाँ से रास्ता कहाँ से है? मुझे लग रहा है उधर से है क्या रास्ता। हाँ यहाँ से है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लोग, देखिए ये रास्ता है, यहाँ से चढ़ के लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ से थोड़े से जैसे होता है ना रॉ पत्थर को तोड़ तोड़ के अपने आप ही लोगों ने रास्ता बना लिया है। और ये पेड़ भी बड़ा क्यूट सा लग रहा है। और वहाँ पे चढ़ चढ़ के जाते हैं लोग और बैठते हैं। देखिए यहाँ से चढ़ के गए हैं और वहाँ बैठे हैं। फिर किसी दिन मैं वहाँ पर भी आप लोगों को बैठ के दिखाऊँगी। आज तो महादेव के दर्शन किए हैं, अब आगे चलते हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। चलो हर हर महादेव फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मन बहुत ज़्यादा महादेव के ध्यान में मग्न हो गया है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और देख ही रहे थे आप, स्वयंभू शिव हैं, तो उनका जो शिवलिंग था वो भी बस ऐसे ही नेचुरल आकार में था। बहुत अच्छा लगा। ये देखे पीछे से एक हाथ आ रहा है। सिस्टर ने फिर से बहुत सारे फ्लावर्स मेरे लिए इकट्ठा किए, ये लीजिए आप लोग भी। हाँ हाँ हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वो कहीं ना कहीं से, चाहे नॉर्मल वाले फ्लावर्स या जंगली फ्लावर्स, वो इकट्ठा कर ही लेती है ना। तो अब मैं शूट करूँ या हाथ में फ्लावर पकड़ूँ? लो दे देना मुझे थोड़ी देर में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए बहुत रॉ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो वॉल है देखिए बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल पुराने टाइम की वो किले की दीवारें जो होती हैं, ये वैसा ही मुझे लग रहा है। ये भी पूरे किले का ही सराउंड है। और ये जो आगे से मैंने बताया था माता का मंदिर, माता जब बुलाएंगी तब हम आएंगे, और आने की इच्छा तो है ही है। लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव के, बहुत अच्छा लगा।
ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है, माता का मंदिर दिखाने की कोशिश करे, देखिए माता बुलाइए जल्दी, फिर हम आएंगे। अभी तो भोलेनाथ के दर्शन करके हम आगे जा रहे हैं। यहाँ की ये मड गांव, देखिए वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ के पास बोर्ड भी लगा हुआ है, शायद निकल गया, उस पे लिखा था मड गांव। फ्रेंड्स अभी सब पीछे बैठे हुए सब लोग, जितने भी लोग मेरे साथ हैं अभी क्या मुझे बोल रहे हैं, देखो आपने जब ठान लिया तो आप निकल गए, लेकिन महादेव ने आपको बहुत डराया बारिश कर करके और आप डर रहे थे, जैसे आप लोग भी देख ही रहे थे उस समय का क्या मौसम था और अभी का। अभी तो इतनी गर्मी जैसी बाहर लग रही है और धूप भी हो गई है, लग ही नहीं रहा है कि इतनी बारिश भी हुई थी। तो ये है महादेव का चमत्कार, ये है भोले भंडारी की माया। बम भोले, हर हर महादेव, महादेव भोले भंडारी, ऐसे ही करते रहते हैं। देखिए अपने भक्तों को थोड़ा सा बोलते हैं, आओ अब लो, ये तुम्हारी परीक्षा है, अब तुम क्या सोच रही हो, अब तुम क्या करोगी। लेकिन भक्त ने भी ठान रखी थी कि आज महादेव के दर्शन करने हैं, महादेव प्लीज़ बुला लीजिए, और महादेव ने बुला लिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात कि मैं वीडियो भी शूट कर पाई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों को भी जब मैं दर्शन करूं तो उस समय आप लोगों को भी भगवान के दर्शन कराऊं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, जितना अपने आप को लेके खुशी होती है कि मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ, उतना ही जब मैं आप लोगों को भगवान के दर्शन कराती हूँ तो उतनी ही खुशी मुझे होती है। वो तो आप देखते ही हैं ना, बहुत खुश होती हूँ आप लोगों को दर्शन करा के। आपको और आपके पूरे परिवार को महादेव की कृपा प्राप्त हो। आप लोग बस ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़, भगवान के दर्शन जिसमें होते रहेंगे, आपको देखते रहिए, घर पे बैठे बैठे भगवान के दर्शन करिए। क्योंकि मुझे तो अच्छा यही सब लगता है, तो आप लोगों को भी दर्शन कराती रहती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती रहती हूँ। आप लोग कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आप लोगों को किल्लेश्वर महादेव के दर्शन करके क्या अनुभव हुआ। मुझे पता है आप सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन आपको कैसा लगा उनके दिव्य दर्शन करके, ये ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं पढ़ूंगी, मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो कमेंट करना है, ओके। अभी भी सुहाना मौसम ही है, मतलब कहीं धूप कहीं छाँव, यहाँ पे थोड़ी छाँव लग रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली धूप धूप गर्मी गर्मी है। तो धूप छाया, ये देखिए ये वही पॉइंट है यहाँ पे पानी जमा था, और आगे देखिए छोटा सा बीच का रास्ता है जहाँ पे बहुत स्लो स्लो ऑटो रिक्शा गाड़ी सब आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो जगह है, ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा गाड़ी खड़ी थी,
उसको कहते हैं दाना पानी। आपको दाना भी मिलेगा और पानी भी। ओ सिस्टर बोल रही है पुलिस के डंडे भी मिलेंगे। क्योंकि वो ऐसा स्पॉट है, वहाँ पे अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको लव बर्ड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं बोलते, तो वहाँ पे जाएंगे ना फ्रेंड्स तो वहाँ पे आपको लव बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वो लव पॉइंट है, बहुत सारे लैला मजनू शिरी फरहाद आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। और उसके अलावा बहुत सुंदर सा बीच है दाना पानी, समंदर का किनारा, दरिया किनारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो गार्डन गया जहाँ पे एक दिन मैं आई थी घूमते घूमते, वो जो मैं स्टोरी आपको बता रही थी कि अरे रे 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 रे, हाँ ये जो अभी अभी जो रास्ता गया उधर भी एक रास्ता था, वो अक्सा बीच का रास्ता था। तो उस गार्डन में जो मैं आपको बता रही थी कि मैं आई थी यहाँ पे किलेश्वर महादेव का टेंपल ढूंढते ढूंढते और मुझे नहीं मिला, तो फिर बाद में मैं वो गार्डन में गई और गार्डन में भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि गार्डन भी बंद होने लगा। तो उस दिन का दिन तो बड़ा मज़ेदार था। जब आप कुछ सोच के आओ, कुछ ना हो, तो फिर मज़ेदार दिन हो जाता है ना। ये देखिए आगे का व्यू कैसा लग रहा है, सुंदर हरियाली, खूबसूरत हरियाली, ये हरियाली और ये रास्ता। मन में कितनी शांति आ जाती है ना फ्रेंड्स, जब आप दर्शन कर लो भगवान के तो फिर कुछ रह नहीं जाता है कहने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, है ना। बहुत अच्छा लगता है, माइंड उसी चीज़ में बस घूम रहा होता है बार बार। अच्छे दर्शन हो गए, अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। श्रावण के सोमवार को इतने अच्छे दर्शन हो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि श्रावण के सोमवार के दिन शिवालय में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश हो रही है रह रह के, अभी तो नहीं लेकिन फिर से बूंदाबांदी होने लगी। नहीं तो मेरा तो मन ये था कि रात के 9 बजे तक रुकूंगा जब भंडारा तैयार हो जाए और मैं भंडारा में प्रसाद लूं और बस भोले की मस्ती में अपने आप को पूरी तरीके से लीन कर दूं। अच्छा लगता है क्योंकि इससे अच्छा तो और कुछ होता ही नहीं, इससे अच्छा कुछ और लगता ही नहीं। है ना फ्रेंड्स, इससे अच्छा भी कुछ लगता है? नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। शांत हो गया है मन, इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं तो मैं बोलती रहती हूँ, आप जानते ही हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, लेकिन अभी बस परम शांति में हूँ। देखिए रोड, देखिए सामने की, यहाँ का एरिया देखिए कैसा लग रहा है। तो
तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने घर के पास ही आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो आपको क्या करना है वो तो कमेंट में लिखना है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। तो सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और अपने अपनों को भी वीडियो फॉरवर्ड करिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।